1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इजकल्स टू 6 अपॉन 7, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू अपन 1 और माइनस 5 नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। इक्वेशन देखो तो इक्वेशन क्या क्या बने, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, और इसकी वैल्यू क्या बने यहाँ पे 6 अपॉन 7। अब अपन x की वैल्यू क्या नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, 1 लेंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर, और x की वैल्यू अपन माइनस 5 भी नहीं ले सकते क्योंकि x वैल्यू माइनस 5 लेने पे, x वैल्यू माइनस 5 लेने पे ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर इसका वैल्यू, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। अब लेट्स से इसके लिए अपन क्या करें, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस 1 और क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस 5, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगा एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 माइनस में क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस में आ जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस 1। अगर अपन एलसीएम लेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस 5 यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन 7, ये इसकी वैल्यू हो जाएगा। यहाँ से अगर अपने इसको कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये लिखा हुआ यहाँ पे एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 और ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और ये वैल्यू आ जाएगा माइनस का x माइनस का 5, दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन 7, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 6 अपॉन 7। यहाँ से अगर अपन इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 प्लस 1 क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 6 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x, तो ये आ जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 4x और ये आ जाएगा माइनस का 5 इजकल्स टू 6 अपॉन 7। तो यहाँ से ये 6 से 6 कैंसिल आउट करें, ठीक है, और अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 5 इजकल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर और ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे, ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और ये वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस 5 और माइनस 7, तो माइनस 12 इजकल्स टू 0। यहाँ से अगर अपन इसके लिए फैक्टर्स देखेंगे, इसके फैक्टर्स क्या आ जाएगा, फैक्टर्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2x माइनस 12 इजकल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन इसमें x कॉमन लेंगे यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा x प्लस 6 और यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा x प्लस 6 इजकल्स टू 0। यहाँ से इसमें से x प्लस 6 कॉमन आ सकता है, x प्लस यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस 6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन x के लिए सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक सॉल्यूशन आ जाएगा x इजकल्स टू 2 और एक सॉल्यूशन आ जाएगा x इजकल्स टू माइनस 6, ठीक है, ये सॉल्यूशन x इजकल्स टू 2 और x इजकल्स टू माइनस 6, जहाँ पे ये डिफाइन भी है क्योंकि x की वैल्यू 1 और माइनस 5 नहीं हो सकती, तो ये यहाँ पे इसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा।